देखो बेटा, मैं आपको एक चीज अब पढ़ाना चाहता हूं, वो है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मीनिंग क्या होता है? देखो, एट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे सारे मॉलिक्यूल्स मोशन करते होंगे। सपोज ये हमारे घर पर रूम है, यहाँ पे ये सारे मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स है बेटा, हमारे रूम के अंदर रैंडम मोशन करते हैं। मीनिंग समझ लेना बेटा, कंसेप्ट ही क्लियर करना है इसका। क्लियर टेक्स्ट में से नहीं होगा इतना ज्यादा क्लियर जितना मैं अभी यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल्स हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे मोशन करना स्टार्ट कर देगा। चलो गति मतलब बढ़ गई, स्टार्ट हो गया। अब वो क्या करेगा बेटा, आप मुझे अनम्यूट होके बताओ कि वो क्या करेगा बेटा। चलो अनम्यूट, ये ऑब्जेक्ट जब मोशन करना स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, क्या होगा? गिव मी अ रिप्ले बेटा, क्या होगा इसका? ये मॉलिक्यूल्स हैं, उसने मोशन करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? अनम्यूट होके बोलो बेटा, जल्दी से बोलो, टाइम मत बिगाड़ो। एनर्जी इनके दूसरे पार्टिकल्स भी मूव होना चालू कर जाएगी। सारे पार्टिकल्स मूव होना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा? आप एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी लोग मोशन करना स्टार्ट कर दिए पूरे रूम के अंदर, और वो रैंडमली मोशन करना स्टार्ट कर दिए, तो एक दूसरे स्टूडेंट क्या करेंगे, क्या होगा उस टाइम पे, कंडीशन क्या होगी बेटा? बोलो, ट्राई कीजिए दा स्ट्राइक होंगे, मतलब ये मॉलिक्यूल्स यहां पे स्ट्राइक होगा इसके साथ, यहां से वो दूसरे की जगह पे स्ट्राइक होगा बेटा, ये रेड लाइन उसी की देखना, यहां पे स्ट्राइक होगा ये मॉलिक्यूल्स, पहले ये था, यहां से यहां आया, अब यहां स्ट्राइक हुआ, यहां हुआ स्ट्राइक, राइट? ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक होगा, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होते रहेंगे, बट अभी मैं एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, राइट? ओके, चलो अब बारी आई, मॉलिक्यूल स्ट्राइक होंगे तो किस तरीके का स्ट्राइकिंग होगा बेटा? एक मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, गिव मी आंसर बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, चलो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा जब स्ट्राइक होंगे तो? आपको भी पता है कि सर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो टोटल 2R यानी कि डायमीटर जितना स्ट्राइक हो जाएगा, राइट? क्लियर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? डायमीटर जितना हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस डायमीटर जितना हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स की तरफ लगना चाहिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब ये यहां पे स्ट्राइक होंगे, एक स्ट्राइक होगा दूसरे के साथ, तो यहां पे भी एक साइड नहीं होगा, बहुत सारी साइड्स, हर एक साइड पे मॉलिक्यूल्स होगा उसकी, एक साइड पे नहीं होगा, हर एक साइड पे मॉलिक्यूल्स होगा, तो ये पूरा एक स्फीयर बना, इसको हम लोग बोलेंगे कोलाइजन स्फीयर। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जब मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अकेला एक मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहा होगा, उसके साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके साथ स्ट्राइक करते होंगे यहां पे। क्लियर? अब देखो बेटा, देखो पहली बार ये स्ट्राइक हुआ यहां पे दूसरी बार स्ट्राइक हुआ, तो ये जो मैंने पाथ किया यहां पे स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, राइट? इतना इतनी जो लेंथ है, इतना जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन इज नोन एज अ फ्री पाथ।
इज नोन एज अ फ्री पाथ, इनको हम लोग फ्री पाथ बोलेंगे। ऐसा फ्री पाथ यहां पे भी मिला, ऐसा फ्री पाथ यहां पे भी मिला, अलग अलग होंगे बेटा। तो सबका बेटा एवरेज निकालेंगे ना, तो उसका मतलब मीन ऑफ एवरेज ऑफ दिस फ्री पाथ थ्री फ्री दिस फ्री डिफरेंट पाथ इज नोन एज अ मीन फ्री पाथ। राइट, इज नोन एज अ मीन फ्री पाथ। तो बेटा सोचो, यहां पे ये सारे मॉलिक्यूल्स इसके आजू बाजू में थे, उसने यहां तक गए तो कितना डिस्टेंस काटा होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो कितने कोलाइजन होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन फ्री पाथ, मतलब फ्री पाथ, सॉरी फ्री पाथ का मीनिंग क्या होगा बेटा, फ्री पाथ इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ कोलाइजन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा कि ये टोटल डिस्टेंस उसने काटा तो सही, ये टोटल डिस्टेंस, बट कितना, एक कोलाइजन, दो कोलाइजन, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, तो डिवाइडेड बाय एट करेंगे, और जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना कोलाइजन होगा बेटा। माई क्वेश्चन इज दैट, मेरी बात समझना बेटा, मेरी बात समझना, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक रूम के अंदर एक कोलाइज, एक मॉलिक्यूल्स है, वो सभी मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर रहा है, तो एक कितने नंबर्स ऑफ कोलाइजन टोटल पॉसिबल है हमारे रूम के अंदर, जितने मॉलिक्यूल्स है उतने ही ना। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई एक मॉलिक्यूल्स हर एक मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करेगा तो कोलाइजन कितने हुए, 10 हो गए तो 10 कोलाइजन हुए, 20 है तो 20 कोलाइजन होंगे, 30 है तो 30 कोलाइजन होंगे। ये बात समझ में आई मेरी, तो नंबर्स ऑफ कोलाइजन यानी कि नंबर्स ऑफ, नंबर्स ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, स्मॉल एन वी हम लोगों ने किया है, वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये सबको मालूम है, हाउ टू फाइंड आउट, क्लियर। एंड एरिया कितना होगा बेटा, इसका एरिया कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वेयर, बट रेडियस कितनी थी बेटा, 2R जितनी, यानी कि डायमीटर जितनी रेडियस थी बेटा, इसकी रेडियस डायमीटर जितनी थी बेटा, तो पाई डी स्क्वेयर वी एक्स इंटू डेल्टा टी। तो डिस्टेंस यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और कोलाइजन एन पाई डी स्क्वेयर वी एक्स डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी कट, तो मीन ओनली फ्री पाथ आया, ओके, ओनली फ्री पाथ का फॉर्मूला मिला एन पाई डी स्क्वेयर। अब इसका भी मीन ले लो, तो ये फॉर्मूला अभी आपको बेटा याद रखना होगा टेम्पररी, एल बार इज इक्वल टू एल बाय रूट टू, यानी कि मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला मिला एल बार इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू एन पाई डी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला मिला हम लोगों को, डी इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर्स ऑफ सक्सेसिव कोलाइजन, तो अभी मैंने क्या किया था, एन इंटू वी, इससे क्या मिला हम लोगों को, एरिया इंटू लेंथ, एरिया मतलब पाई डी स्क्वायर किया, लेंथ मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम किया, बट नंबर्स ऑफ ये सक्सेसिव, बट उसके भी एवरेज लेना होगा बेटा, इसका भी एवरेज लेना होगा, तो एवरेज सक्सेसिव कोलाइजन
रूट टू एन पाई डी स्क्वेर वी एक्स डेल्टा टी। तो हमारे पास ये एल बार का एक फॉर्मूला मिला वन अपॉन रूट टू एन पाई डी स्क्वेर। अब जब रूम के अंदर गैसेस होता है तो गैसेस के हिसाब से नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से थोड़ी बात डेंसिटी में भी होगी, तो डेंसिटी हम लोगों को मालूम है, हम लोग क्या लिखते हैं, सबको याद होना चाहिए एन एम इज द डेंसिटी। ओके, तो एन इज इक्वल टू रो बाय एम। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग अलग फॉर्म में लिखना चाहते हैं, रूट टू एन रो बाय एम, एम ऊपर गया बेटा, पाई डी स्क्वेयर। आपको यह भी मालूम है प्रेशर के हिसाब से आप लिखना चाहते हो तो P इज इक्वल टू एन के बी टी, तो एन इज इक्वल टू पी अपॉन के बी टी बेटा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वन अपॉन रूट टू एन पाई डी स्क्वेयर, उसमें जब हम वैल्यू रखेंगे रूट टू एन की जगह पी बाई के बी टी, पी बाय बाय मतलब ऊपर गया, तो आप देख सकते हो कि मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर, ऑल्सो इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द डी स्क्वेयर, ऑल्सो डेंसिटी का भी रिलेशन उल्टा। क्लियर? तो दिस इज द मीन फ्री पाथ बेटा। इस तरीके से थोड़े कंसेप्ट को आपको समझना है बेटा, ये कंसेप्ट टेक्स्ट बुक का ही है बेटा, मैंने बाहर का कुछ नहीं पढ़ाया है। क्लियर? तो आप वन बाय वन करके हम लोग इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। पहला वाला स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर वन। ये सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये थर्ड स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा फोन में फोटो पड़ जाए। तेरा फ्रेंड ने मोकल जा। चलो कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या था? तो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला कोई पूछे, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग लिखेंगे 2R यानी कि डायमीटर। नंबर्स ऑफ कोलाइजन एन वी एरिया लेंथ पाई डी स्क्वेयर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला एल बार इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू एन पाई डी स्क्वेयर रो बाय एम पी बाय के बी टी वाला फॉर्मूला, पी बाय के बी टी ऊपर जाएगा, यहां पे मैंने फॉर्मूला लिया रो इज इक्वल टू एन एम और यहां पे लिया मैंने पी इज इक्वल टू एन के बी टी। क्लियर? ये कंसेप्ट है बेटा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। एक साथ लिखेंगे कंसेप्ट को, एल बार इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द डी स्क्वेयर। मम्मी दरवाजा बंद कर दे। एल बार इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द वन अपॉन रो, L bar is inversely proportional, directly proportional to temperature, inversely proportional to the pressure, and numbers of molecules के साथ relation में ऐसे है। चलो ये concept लिख लो बेटा, ये याद रखने हैं।
चलो बेटा आप ट्राई करोगे, मैं आपको एक होमवर्क मतलब एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ फॉर टू गैसेस विच इज अ विच हैज अ रेशियो ऑफ विच हैज अ रेशियो ऑफ नंबर्स डेंसिटी इज 5:3 एंड डायमीटर इज 4:5। चलो गिव मी आंसर बेटा। दरवाजा बंद करें बाहर जाओ। बेटा आंसर दो यार, एक भी स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहा है। ये रहा क्वेश्चन, चलो ये रहा फॉर्मूलाज, चलो यूज करो फॉर्मूलाज को। विधि अरवानी बेटा, परफेक्ट परफेक्ट आंसर विधि अरवानी। यार एक ही फॉर्मूला है यार, लेल बार का नंबर्स डेंसिटी का मीनिंग क्या हुआ? n1/n2, इसको डेंसिटी बोलते हैं। आपको डायमीटर का रेशियो दिया है 4:5, आप देख सकते हो फिर लेल नोट बार इज डायरेक्टली अप कौन से बेटा? जिग्नेश एल बार इज इक्वल टू 1/√2n d² यानी कि सिंपल सा ऑप्शन बन गया इसका। l1/l2 उल्टा लेना है, n2/n1 उल्टा लेना है, d2/d1 का स्क्वेयर, तो ये होगा 3/5, ये होगा 5/4 होल स्क्वेयर, तो 3/5, 5/4, 5/4, एक 5/5 कट हुआ, 15/16। दिस इज योर आंसर। क्या यार देख रहे हो, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। उसके बाद माय बच्चा पार्टी, मैं आपको और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करना बेटा इस तरीके से। आपको आइडियल गैस का आपको एन पता है, 3×10⁸ पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 cm³ दिया है। मीन फ्री पाथ पता है, मीन फ्री पाथ 10⁻²⁺ सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया, राइट? तो आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ
मॉलिक्यूल्स। चलो अब ये तो ट्राई करो माय बच्चा पार्टी। यार अभी ये भी बता दूं क्या, एल बार इज इक्वल टू 1/√2 एन पाई डी स्क्वेयर से फाइंड करना है। कन्वर्जेशन मत करना क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा बेटा। डी स्क्वेयर को आप मेन बनाओगे, 1/√2 करोगे, एन पाई एल बार करोगे। यार सब कुछ मैं बोलूँ क्या? फोर वन फोर, रूट टू की वैल्यू, एन की वैल्यू दे रखी है, 3×10⁸, पाई की वैल्यू 3.14 और एल बार की वैल्यू 10⁻²। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 ऊपर जाएगा तो -6 होगा। अब 1/1.414 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 1/1.414 / 3/3.14 करो, कितना आ रहा है? 0.27। उसका नहीं, 0.27 नहीं आएगा बेटा, उसका रूट आएगा बेटा, वो तो 0.075। अब इसका रूट निकालो, 0.075 का रूट निकालो, 0.075 का रूट निकालो। .27 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2.7 करना है तो ऐसे लिखेंगे 1.3, राइट, समथिंग आएगा। 3 करोगे 6, 1 बचेगा 3.5। यस दिस इज योर आंसर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी बेटा। ओके चलो थोड़ा एक थोड़ा सा अलग आपको पढ़ के बताता हूँ बेटा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, जिनका बाकी है वो। आज मैंने मेन फ्री पाथ ही पढ़ाया और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा पाया। ये आज के टेस्ट में होगा, प्लीज 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 याद रखना, ये आज के टेस्ट में होगा, ये आज के टेस्ट में होगा, मेन फ्री पाथ भूलना मत। अब देखो बच्चा पार्टी, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या आपको पता है आइडियल गैस का इक्वेशन ये है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। बट आइडियल वो आइडियल होता है, रियल गैस का इक्वेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ये आएगा, देखना याद रखना बेटा। पी नहीं है, पी प्लस ए एन स्क्वेयर बाय वी। वी नहीं है, वी माइनस एन बी है, इज इक्वल टू म्यू आर टी। यानी कि एन स्क्वेयर बाई वी जो है ना, वो प्रेशर करेक्शन है, इतना करेक्शन है बेटा। और एन बी वो वॉल्यूम करेक्शन है। ये फिजिक्स में नहीं आता, केमिस्ट्री में आता है, याद रखना बेटा। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये रियल गैस इक्वेशन है।
इसके कोई क्वेश्चन कभी भी फिजिक्स में पूछे नहीं गए हैं, बट फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, आपकी नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करवा रहा हूँ। दिस इज योर रियल गैस इक्वेशन, पी प्लस एन स्क्वेयर बाई वी, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ए इज द नंबर्स, क्लियर, और कुछ नहीं है। बी ए एंड बी इज द नंबर्स, और कुछ नहीं है बेटा। क्लियर, ए एंड बी आर, इसको हम लोग बोलेंगे वांडरवाल, कॉन्स्टेंट। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं बेटा। सपोज हम लोगों को ऐसा कोई इक्वेशन दिया, पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन टू वी माइनस बी, माइनस नाइन अपॉन फोर बी स्क्वेयर, ऐसा कोई क्वेश्चन है। क्लियर, एक कंटेनर के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन है। एक कंटेनर के अंदर रियल गैस फिलअप किया है CO2, तो इसका टोटल मास कितना होगा वो फाइंड करना है। टोटल मास का फॉर्मूला यही होता है, म्यू इज इक्वल टू एम बाय एमओ, तो एम इज इक्वल टू म्यू एमओ। मोलिकुलर मास CO2 का कितना होगा, तो कार्बन का और ऑक्सीजन का ऐड करो तो CO2 MO कितना होगा इसका, MO आई थिंक सो 44 होगा, 32 प्लस 12 44 होगा, सही है बेटा। मतलब हमारे पास म्यू नहीं है बस, तो म्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको रियल गैस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके म्यू फाइंड करना है। इसको कैसे बनाओगे, हमारे पास प्रेशर का कुछ इक्वेशन ये था ना, पी इज इक्वल टू ए एन स्क्वेयर बाय वी, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू म्यू आर टी। इसको और इसको मैच करके म्यू फाइंड आउट करना है, ए और बी भी मिलेगा। क्लियर, आपका ये वर्क रहेगा, कैसे वर्क करना है मैं नहीं बताऊंगा कि बता दूं, मैं सब कुछ थोड़ी ना बताऊंगा। इसको मल्टीप्लाई करो, पी वी प्लस सॉरी माइनस एन पी बी, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, प्लस एक वी वी कट हो जाएगा, ए एन स्क्वेयर बाई ओनली ए एन स्क्वेयर बचेगा, माइनस ए एन क्यूब बी, ए एन क्यूब बी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अब पी वी को एज इट इज रखो, बाकी सबको सामने ले जा दो, माइनस तो सर जाएगा तो प्लस एन पी बी माइनस एन स्क्वेयर माइनस उस चल जाएगा तो प्लस ए एन क्यूब बी इज इक प्लस म्यू आर टी। अभी सभी इक्वेशन को वी किससे डिवाइड कर दो, वी से डिवाइड कर दो। इस तरीके से कुछ करो बेटा, होगा मैच करना होगा, वो आपका काम है। अब वो मैं नहीं करवाऊंगा। फिर आप मुझे म्यू फाइंड करके दिखाना क्या आ रहा है। यार दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके म्यू फाइंड करके देना, म्यू कितना आ रहा है, और उसकी वैल्यू यहां पे रख देना, जिससे आपको टोटल मास मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बाहर का है बेटा, ये पहले से मैंने बोल दिया आपको। क्लियर, पहले तो ये आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो, आइडियल गैस और रियल गैस। और ये वाला सम्स, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो। अब ट्राई करोगे बेटा, ओके, कल से बेटा रियल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, कल से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, जो हमारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 12 दिया है।
मैं आपको बता दूं, 13 चैप्टर खत्म हो गया, 13 चैप्टर खत्म हो गया बेटा। अब 12 चैप्टर करेंगे सर, हम लोगों ने तो 11 स्टार्ट किया ना, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। ओके, तो शाम को 7 बजे टेस्ट के लिए मिलते हैं। सब लोगों को टेस्ट देना ही है, भूलना मत बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज।